वेलकम बैक टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। स्टूडेंट्स, कैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड से रिएक्ट करता है, एसिड से अभिक्रिया करता है। कैसे मेटल कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2.5 ऑन पेज नंबर 20। स्टूडेंट, हम पेज नंबर 20 की एक्टिविटी 2.5 को देखते हैं। टेक टू टेस्ट ट्यूब, लेबल देम एस ए एंड बी। स्टूडेंट, हम टू टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें लेबल कर देते हैं ए और बी। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें लेबल कर देते हैं ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब ए में 0.5 ग्राम हम क्या लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, एंड टेस्ट ट्यूब बी में हम 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेक करते लेते हैं। ओके, एड अबाउट 2 ml ऑफ डायलूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। स्टूडेंट्स, दोनों टेस्ट ट्यूब में नियर अबाउट लगभग 2 ml डायलूट HCl ऐड कर देते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केसेस थ्रू लाइम वाटर एज सोन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स, पास द गैस प्रोड्यूस, अब इनमें से निकलने वाली, मतलब टेस्ट ट्यूब से जब उसमें हम क्या है HCl ऐड करते हैं, तो देखते हैं कि दोनों टेस्ट ट्यूब से क्या है गैस निकलती है। जो गैस निकलती है उसको पास करते हैं किसके थ्रू, लाइम वाटर के थ्रू, और फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ओके, क्या ऑब्जर्वेशन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। द रिएक्शन अकरिंग इन द एक्टिविटी आर रिटन एज, स्टूडेंट्स जो अबव रिएक्शन अकर होता है उसको हम रिटन कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब ए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ओके, टेस्ट ट्यूब बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस HCl NaCl H2O प्लस CO2। स्टूडेंट, ये तो रहे हमारे दोनों रिएक्शन जो टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी में ऐड करने पर होते हो, क्या है रिएक्शन अकरिंग। ओके, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। स्टूडेंट्स, जब इसमें हम क्या है, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। स्टूडेंट्स, पासिंग इसमें से निकलने वाली कार्बन डाई गैस को चूने के पानी से जब पास्ट करते हैं, चूने के पानी के साथ पासिंग करते हैं, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। इसमें से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी से क्या है साथ प्रवाहित करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 एंड CaCO3 प्लस H2O। स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब उसको कहाँ पासिंग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। स्टूडेंट्स, इस पर क्या है, जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पॉज करते हैं तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस होता है, क्या है, कैल्शियम CaCO3, ओके, कैल्शियम H2O
CaCl3 व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी में कैल्शियम कार्बोनेट इधर देख रहे हैं, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 एंड CaHCO3 CaHCO3 एक्वस सॉल्युबल इन लाइम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको यह रिएक्शन फॉर्म होता है। लाइम स्टोन, चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए कोरिस्पॉन्डिंग साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दस द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड। स्टूडेंट जो लाइम स्टोन है, चूना पत्थर, चाक, संगमरमार्बल्स, कैल्शियम कार्बोनेट के ही डिफरेंट फॉर्म हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, अम्ल के साथ रिएक्ट करके कोरिस्पॉन्डेंट क्या है, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एवं एंड वाटर फॉर्म्ड करते हैं, वाटर बनाते हैं। दस द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड। इस रिएक्शन को इस प्रकार से भी समराइज किया जा सकता है, धातु कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड देन फॉर्म्ड साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में क्या, जब मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड एक दूसरे से क्या है रिएक्ट करते हैं, तो साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्ड होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। स्टूडेंट्स एसिड और बेस कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, कैसे अभिक्रिया करते हैं, एसिड एंड बेस अम्ल और क्षार परस्पर एक दूसरे से कैसे अभिक्रिया करते हैं। एक्टिविटी 2.6। डियर स्टूडेंट टेक अबाउट 2 ml ऑफ डायल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 drops ऑफ फेनोप्थेलिन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml हम क्या लेते हैं, डायल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेते हैं एंड ऐड 2 drops ऑफ फेनोप्थेलिन सॉल्यूशन और उसमें 2 drops हम फेनोप्थेलिन सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है। ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाई ड्रॉप। स्टूडेंट्स ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाई ड्रॉप। इस सॉल्यूशन में स्टूडेंट एक एक बूंद तनु HCl बिलियन मिलाइए। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। स्टूडेंट क्या रिएक्शन मिक्सचर के रंग में कलर में कोई परिवर्तन हो रहा है। व्हाई डिड द कलर ऑफ फेनोप्थेलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। स्टूडेंट्स एसिड को मिलाने के बाद फेनोप्थेलिन का रंग क्यों बदल जाता है, क्यों एसिड को मिलाने पर फेनोप्थेलिन का कलर चेंज हो जाता है। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू द एबव मिक्सचर। स्टूडेंट्स अब जो एबव मिक्सचर दिया हुआ है उसमें कुछ ड्रॉप NaOH की बूंद मिलाते हैं, कुछ ड्रॉप NaOH मिलाते हैं। डज द पिंक कलर ऑफ फेनोप्थेलिन रीअपीयर। स्टूडेंट तो देखते हैं क्या कि फेनोप्थेलिन का पिंक कलर रीअपीयर हो जाता है। What do you think this has happened? Student, आपके विचार में ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। In the above activity, we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa. The reaction taking place is written as. Students, above reaction में हम देखते हैं क्या कि effect of base is nullified by an acid and vice versa. Student, जो ए बेस का इफेक्ट है वो किससे नलिफाइड मतलब न्यूट्रल हो जाता है, किससे, बेस के थ्रू। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन, जो रिएक्शन टेक प्लेस होता है वो नीचे दिया गया क्या, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड साल्ट एक्वस एंड वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर। स्टूडेंट जब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होते हैं तो क्या मिलता है, साल्ट एंड वाटर
नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इन जनरल ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटेन एज बेस प्लस एसिड साल्ट प्लस वाटर। जनरली हम इसको राइट कर सकते हैं बेस प्लस एसिड साल्ट प्लस वाटर। देखते हैं क्या है फॉर्म होता है। रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइडों के साथ अम्ल की अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टिरिंग। स्टूडेंट स्टिरिंग, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, एक स्मॉल अमाउंट में क्या लेते हैं कॉपर ऑक्साइड एक बीकर में, एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली, और उसमें क्या है स्लोली स्लोली हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला करके उसमें धीरे धीरे क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला करके उसको स्ट्रिंग करते हिलाते हैं। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन के कलर को नोट करते हैं। व्हाट हैज हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। स्टूडेंट कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व। स्टूडेंट यू विल नोटिस दैट, आप यह नोटिस करेंगे कि जो कलर है दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन, कलर सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है ब्लू ग्रीन हो जाता है, एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व, और कॉपर ऑक्साइड क्या है डिजॉल्व हो गया। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज द ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड इन द रिएक्शन। स्टूडेंट इस रिएक्शन में जो आप देख रहे हैं ब्लू ग्रीन कलर सोल्यूशन का ब्लू ग्रीन कलर जो आपको दिखाई दे रहा है वो किसके लिए, कॉपर सेकेंड क्लोराइड के फॉर्मेशन के कारण। क्यों, क्योंकि कॉपर सेकेंड क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। द जनरल रिएक्शन बिटवीन ए मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज। स्टूडेंट जो जनरल रिएक्शन है हम रिटन कर सकते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड एंड साल्ट प्लस वाटर। ओके नाउ राइट द बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन फॉर अबव रिएक्शन। नाउ क्या स्टूडेंट्स अब हम राइट करते हैं बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन को फॉर द अबव रिएक्शन। सिंस मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर। चूंकि स्टूडेंट मेटलिक जो ऑक्साइड होते हैं वो रिएक्ट करके एसिड एंड रिएक्ट विद एसिड, मेटल के ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके टू गिव साल्ट एंड वाटर। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ ए बेस विद एन एसिड, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ ए बेस, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ ए बेस, उसी प्रकार इसी के सिमिलर क्या रिएक्शन बेस का विद एन एसिड मेटलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स उन्हीं के सिमिलर, अगर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस, जब हम इसका रिएक्शन किससे करवाते हैं बेस से, तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पे आपने देखा क्या है कि कॉपर सेकेंड क्लोराइड बनने के कारण धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाले सामान्य अभिक्रिया को राइट कर सकते हैं मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड एंड साल्ट प्लस वाटर। अगर एबव रिएक्शन को समीकरण के लिए उसे राइट करके हम उसको भी संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं बेसिड एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही, जैसे एसिड एंड बेस की रिएक्शन हो रहा था उसी के सिमिलर धात्विक के मतलब मेटलिक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या है साल्ट एंड वाटर प्रोवाइड करता है, साल्ट एंड वाटर गिव करता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट जो मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड को क्या है बेसिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ ए बेस विद एन एसिड, विद एन एसिड, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड, उसी प्रकार जो ये एसिड एंड बेस के रिएक्शन है मेटलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनको क्या है बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ओके जो ये बेस विद एन एसिड
उसी के सिमिलर है, विदैन एसिड बेस मेटलिक ऑक्साइड आर सेट टू बी बेसिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स मेटलिक ऑक्साइड को क्या सेट टू बी बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंस मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वह एसिड से रिएक्ट करके क्या साल्ट एंड वाटर में, यानी में कि साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड, वो रिएक्शन क्या है सिमिलर टू द एसिड एंड बेस की, बेस मेटलिक ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो क्या है आधात्विक है, आधात्विक ऑक्साइड है, किसका किससे बेस से करवाते हैं। यूज आर द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। स्टूडेंट्स अभी क्या है एक्टिविटी 2.5 में आपने देखा क्या कि जो ये था सादर रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन जो हो रहा था बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ए बेस, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक बेस है वह विच इज रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ए साल्ट एंड वाटर, वो भी क्या है रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है साल्ट एंड वाटर को। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एन एसिड, और ये रिएक्शन किसके सिमिलर है बिटवीन एसिड एंड बेस के, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। स्टूडेंट्स हम इससे यह कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या है एसिडिक नेचर के हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या है एसिडिक इन नेचर है। ओके okay?